नंगा सच, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत, समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क वन मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क वन मिनट शेक। एक साजिश रची गई थी, कत्ल की साजिश। उस शख्स की जेल से रिहाई का दिन था, लेकिन जिस गुनाह के लिए वो जेल गया था उसकी तपिश अब भी किसी को सुलगा रही थी। इरादा था बदला, जेल से रिहा होते ही उस शख्स का काम तमाम, लेकिन ये साजिश अंजाम दी जाती उससे पहले ही। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोच लिया साजिश करता। दो पिस्टल, दो रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा, 30 जिंदा कारतूस, 5 साजिशकर्ता, और साजिश थी एक कत्ल की, उस नफरत की जो सुलग रही थी, वो बदले की आग जिसकी तपिश मुजफ्फरनगर की थाना सिविल लाइंस के अंदर खड़े इस शख्स को कचोट रही थी। बस मकसद था बदला, और सिर्फ बदला। सतेंद्र, यही नाम है इस शख्स का। 3 महीने पहले सतेंद्र पर एक दीपेश नाम के शख्स ने जानलेवा हमला किया था। दफा 307 के तहत दीपेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुजफ्फरनगर की जिला कारागार के लिए रवाना कर दिया गया था। यानी केस था अटेम्प्ट टू मर्डर। दीपेश मुजफ्फरनगर कारागार के अंदर 3 महीने से सड़ रहा था, लेकिन सतेंद्र भूला नहीं था, बदला उस पर हावी था। दीपेश की जेल से रिहाई थी। सतेंद्र अपने 5 साथियों के साथ मिलकर जेल के बाहर खड़ा था, दीपेश की मौत बनकर इंतजार कर रहा था। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि जेल में एक अभियुक्त जो 307 में बंद है आज रिहाई हो रही है, और उसकी हत्या के इरादे से कुछ लोग वहां पर घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा थाना सिविल लाइन की त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके फलस्वरूप मुठभेड़ के बाद 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। लेकिन मौत की इस साजिश की भनक मुजफ्फरनगर पुलिस को लग चुकी थी। पुलिस ने जाल बिछाया, पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई, लेकिन साजिश करता और साजिश दोनों नाकाम रही। पुलिस के हत्थे चढ़ गए कत्ल की वारदात की साजिश रचने वाले। देखिए, 5 के 5 फिलहाल पुलिस के मेहमान हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से सफेद रंग की HR5-1AE-533 नंबर की स्विफ्ट डिजायर, 2 बाइक, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 1 देसी तमंचा और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए। इरादा मजबूत था, कत्ल की प्लानिंग ठोस थी, लेकिन आरोपी नाकामयाब रहे। इनके कब्जे से एक स्विफ्ट गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी तमंचा और 30 कारतूस मिले हैं। इन अगस्त 12 में जो है, जो अभियुक्त जेल से आज रिहा होना था, आज जो पक्ष मौजूद था, इस पर जानलेवा हमला किया था, तो उसी की बदले की भावना से ये लोग की आज रिहाई होगी, तो हम इसके साथ बदला लेंगे। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद सतेंद्र ने सारी साजिश का खुलासा कर दिया,
कि आखिर क्यों उसने दीपेश की हत्या की साजिश रची थी। सुनिए जरा। 3 महीने पहले उसने मेरे पे गोली चलाई थी, क्यों चलाई थी ये पता नहीं लग पाया। आज तक कोतवाल साहब के सामने उसने ये बताया था कि रविंदर साहब ने 50,000 रुपये दे के भेजा उसे मारने के लिए। मुझे क्यों भेजा आज तक पता नहीं। आप लगा जी हरिंदर अब तक फरार है, वो 3 महीने हो गए पकड़ा नहीं गया। तो आज क्या होना था उसकी क्या रियल क्या होना आज दीपेश छुपना था। तो आपके पास क्या क्या वेपन बरामद हुआ है? एक कट्टा एक पिस्टल। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन आरोपियों में एक आरोपी मुजफ्फरनगर नगर पालिका का बीजेपी से सभासद भी है, जिसका नाम है प्रशांत कुमार। चलिए पुलिस की मुस्तैदी से एक वो वारदात अंजाम देने से टल गई जिसका अंजाम बेहद खौफनाक था। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। क्या आपके यहाँ कभी सीबीआई की रेड पड़ी है? क्या रेड डालने आए लोग आपके पैसे या गहने जब्त कर अपने साथ ले गए? अगर हाँ तो क्या वो असली सीबीआई ऑफिसर थे? चौंकिए मत, हमारा मकसद कोई भ्रम फैलाना नहीं या किसी एजेंसी पे सवाल उठाना कतई नहीं। हम तो दिखाने जा रहे हैं दरअसल जो हकीकत में हुआ। देखिए हम सीबीआई से असली क्या बना गया आपको रणवीर साहब? मद्रास, नागपुर, त्रिवेंद्रम, लखनऊ, सर ये तो पूरे देश में पिछले 2 साल में ऐसे 13 केसेस आ चुके हैं। ये तो वो हैं जो डिटेक्ट हो गए। ये शायद एक्स सीबीआई के लोग हैं। ये ज्यादातर पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं, उनकी धुलाई भी करते हैं। अब चूंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्वड है इसलिए कोई भी रिपोर्ट नहीं करना चाहता। जी हाँ, स्पेशल 26 डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, जिसमें अक्षय कुमार नकली सीबीआई ऑफिसर के रोल में है। काम बड़ा है। सीबीआई मींस दैट यू लव योर कंट्री अबव एवरीथिंग एल्स। ये फिल्म 19 मार्च 1987 में मुंबई में हुई असल घटना पर आधारित है कि वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो उसे पकड़ सके। चलिए ये तो महज फिल्मी ट्रेलर था, दिखाया इसलिए ताकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे खुद आप समझ जाएं। जी हाँ, जरा देखिए आगरा में शाहगंज पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स को। ये जनाब भी खुद को सीबीआई ऑफिसर बताते थे लेकिन नकली, तभी तो धरे गए। मगर खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर रौब झाड़ने में जनाब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आई कार्ड दिखाकर लोगों को धमकाना, उनसे पैसे वसूलना, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी हड़का चुका है ये नटवर लाल। इसके चलते लोगों में खौफ था। तभी शक होने पर पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो जनाब हड़काने लगे पुलिस अधिकारियों को भी। लेकिन असली सीबीआई ने इसकी असलियत सामने ला ही दी। सारे पुलिस ऑफिस में उसके कुछ काम करा रहा था इधर उधर, तो हम लोगों को ये लगा कि ये फर्जी आदमी है। तो वेरीफाई करने पे ये पता चला कि ये लोग सीबीआई का फर्जी आईडी छपवा के और एंटी करप्शन ब्यूरो का फर्जी आईडी छपवा के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। इसके पास से 2-3 ID कार्ड बरामद हुआ, 2 SIM बरामद हुआ एंड बाकी और कोई खास बात नहीं है। सीबीआई का एक फर्जी आईडी कार्ड जो लोगों को दिखा के बेकूफ बनाने के लिए वो जो बना रखा था सीबीआई का आईडी कार्ड। तो सुना आपने, एक नहीं ऐसे ही नकली ऑफिसर कई घूम रहे हैं। तो जरा आप भी सावधान हो जाएं, कहीं नकली सीबीआई की अगली रेट आपके यहाँ तो नहीं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की, हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता है ना। रहो हमेशा पास पास। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण कांड? IC-8-1-4 के अपहरण का नंगा साज। भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत। समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने देश से किया वादा, बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा पर संसद में होगा विचार, लेकिन विशेष सत्र की जरूरत को नकारा, आंदोलन खत्म करने की अपील। गृह मंत्री की अपील को प्रदर्शनकारियों ने किया खारिज, जब भी विरोध प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों पर अड़े आंदोलनकारी। दरिंदगी के खिलाफ सुबह से ही दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक उमड़े हजारों लोग, कई बार करना पड़ा लाठीचार्ज। यूपी के कारागार मंत्री राजा भैया का शर्मनाक बयान, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर बोले, फोटो खिंचवाने के लिए दिखावा कर रहे हैं लोग, प्रदर्शन पब्लिसिटी स्टंट। सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस में छात्राओं के साथ छेड़छाड़, शिकायत मिलने पर वाराणसी जीआरपी ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में सीएमओ ऑफिस के लिपिक की सरेआम पिटाई, नौकरी का झांसा देकर छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप। निठारी कांड के छोटी पायल मर्डर केस में सुरेंद्र कोहली दोषी करार, अपहरण, रेप की कोशिश और हत्या के जुर्म में 24 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। हरिद्वार में 13 दिन से अनशन कर रहे संत पूर्णानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूर्णानंद ने प्रशासन से बताया जान का खतरा। दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की बल्लेबाजी जारी, भारत ने अंग्रेजों को दी 178 रन की चुनौती। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 23 वर्षीय गैंगरेप से पीड़ित लड़की बीते 8 दिनों से अपनी जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रही है। आज उसकी संघर्ष में पत्रकार और पब्लिक दोनों साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही सुरक्षा देने के लिए दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। लेकिन टीस उठती है कि काश ये सुरक्षा इंतजाम 16 तारीख की रात को भी रहे होते तो शायद आज वो लड़की बलात्कार से पीड़ित नहीं होती और अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद नहीं कर रही। एक तरफ पीड़ित लड़की सफदरजंग अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, वहीं उसके अधिकार की लड़ाई देश की जवान जनता इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक लड़ती हुई नजर आई। अधिकार न्याय का, वी वांट जस्टिस से राजपथ गूंज उठा और सियासी गलियारों का चौराया यानी रायसीना हिल्स पर पुलिसिया लाठियां
आंसू गैस के गोले और पानी की भारी बौछार भी नहीं रोक पाई युवाओं के जज्बात को जो न्याय मांग रहे थे।